चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस है आज। यूपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदर्शन प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 एक दिवसीय कार्यशाला का आज उद्घाटन होना है। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित होना है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस आज और यूपी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन भी किया गया है। यहाँ पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन होना है। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा उद्घाटन करेंगे, वहीं वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस है आज और एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन भी होना है। कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा, कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय कैरी बैग जो कार्यक्रम है इसको कार्यशाला का कार्यक्रम रखा गया है और ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 जुलाई से ही नो प्लास्टिक यूज को लेकर कैंपेन चलाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अब प्लास्टिक को पूरी तरीके से इस्तेमाल को बैन किया गया है। ऐसे में इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा, साथ ही साथ जो इसके अपशिष्ट पदार्थों को किस तरीके से नष्ट करना है उसको लेकर भी इस कार्यशाला में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और साथ ही वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। करीब ये 10 बजे ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा और एक दिन की कार्यशाला है और इसमें प्लास्टिक कैरी बैग को किस तरीके से इस्तेमाल में लाना है और जो प्लास्टिक बैग है उनको किस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उससे क्या नुकसान होता है पर्यावरण को लेकर, दृष्टि से उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि ये कितना हार्मफुल है स्वास्थ्य को लेकर पर्यावरण को लेकर, तो उसको लेकर चर्चा होगी। साथ ही इसके इस्तेमाल को बंद करके अब हमें कैरी बैग को इस्तेमाल करना है, जो नॉर्मल कैरी बैग होते हैं उसको इस्तेमाल करना, तो इन तमाम चीजों को लेकर आज इस कार्यशाला में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कार्यशाला है अश्विनी, बिल्कुल जिस तरीके से। और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार, वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले, इसके अलावा और कोई अन्य नेता वीआईपी जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ही इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तमाम वो अधिकारी होंगे, वो तमाम लोग होंगे जो इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि ये प्लास्टिक कितना प्रदूषण के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से, मानव के स्वास्थ्य के लिहाज से कितना नुकसानदायक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके जो मुख्य अतिथि है खुद जो कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा है वो है, उनके साथ ही वन मंत्री जो अरुण कुमार सक्सेना है, तो यही दो मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और करीब 10 बजे ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम किया जाएगा और वहाँ पर इस कार्यशाला में वो भाग लेंगे। जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक को लेकर लगातार कैंपेन चलाया गया है, लेकिन 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से प्लास्टिक को बैन किया गया है और ये कहा गया है कि अगर कोई प्लास्टिक इस्तेमाल करता है या कोई दुकानदार और इसको बेचता है तो उस पर एक बड़ी कार्रवाई किया जाएगा, जब इसका चालान किया जाएगा उसके एक कठोर कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार मॉनिटरिंग करती रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ही पूरी तरीके से प्लास्टिक बैन की अनुमति दे दी है और इसको लेकर ही आज कार्यशाला भी किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कार्यक्रम जो किया जा रहा है आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस है, वहीं अश्विनी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से एक बड़ा अभियान भी चलाया गया है प्लास्टिक मुक्त को लेकर, लेकिन साथ ही यूपी की अगर बात करें खास तौर से, तो लोगों में कितनी जागरूकता है इसको लेकर, प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर? क्योंकि कई बार मंचों से अपील की जाती है, अभियान चलाए जाते हैं, आज बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित भी किया जा रहा है, लोगों में कितनी जागरूकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए बात करें तो इसके पहले भी कई बार इसको लेकर अभियान चलाया गया है और इसका इस्तेमाल को पूरी तरीके से रोक भी लगाई गई है, तो इसके बाद लोग जो आम लोग होते हैं वो भी अब इसका इस्तेमाल धीरे धीरे बंद करते हैं। लेकिन जब ये फिर मार्केट में प्लास्टिक का इस्तेमाल शुरू होता है तो आम आदमी भी अब इसका इस्तेमाल शुरू करता है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम कंपनियां हैं उसके लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ से प्रोडक्शन होता है अगर उस पर सरकार रोक लगा देगी
तो ये चीजें मार्केट में नहीं आ पाएंगी। जागरूकता के लिहाज से अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि लोग काफी जागरूक हैं और बेहतर तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए उसी को लेकर एक कार्यशाला भी किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को जब इसके बारे में जागरूक किया जाएगा और इसके इस्तेमाल के बारे में, और सबसे बात इस्तेमाल के बाद जब इसको फेंका जाता है तो, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा अवशिष्ट पदार्थ है कि जो जल्दी नष्ट नहीं होता है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।